इंडिया ने अनाउंस कर दिया जी T20 सीरीज जो बांग्लादेश का अगेंस्ट है। लड़कों के नए चेहरे देखे, अच्छा लगा। इस तरह बनाई जाती है टीम। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना, हमारे मुल्क में कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है, चाहे नेपाल से मैच हो चाहे किसी भी टीम से मैच हो। यह होता है स्ट्रांग बोर्ड, ये होती है स्ट्रांग मैनेजमेंट, स्ट्रांग सिलेक्शन कमेटी। बांग्लादेश के अगेंस्ट 3 T20 इंटरनेशनल की सीरीज के लिए टीम इंडिया यानी कि इंडियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और धांसू किस्म की टीम बनाए हैं इंडियन सिलेक्टर्स। इस स्क्वाड को देख के ना मुझे एक चीज समझ आई है, T20 में खिलाओ यंगस्टर्स को। मतलब इंडिया ने फिर मौका दे दिया यंगस्टर्स को, लेकिन हमारे पीसी भी बोले अभी भी T20 में मेरे घंटे से ओपन करवाते हैं, और उस घंटे ने आज तक T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में छक्का ही नहीं मारा। उस छक्के ने छक्का ही नहीं मारा आज तक। मयंक यादव, दिस इज द गाय स्पीडस्टर, उसने अपने दम पे अपनी टीम को IPL में मैचेस जितवाए थे एंड ही वाज टू गुड। और एक शहजादा तो आया, क्या कहूं उसके लिए, बहुत खुशी हो रही है। देखो कौन आया, मयंक यादव आया। फोन लगाओ जरा, हारिस रऊफ को पूछो मयंक यादव को जानते हो। लगाओ। हाँ, कहना नहीं जानते, IPL की फुटेजेस निकाल कर भेजना उसे कहना कि 150 जो है ना अब कॉमन होता जा रहा है, तुम खाली नहीं रहे। BCCI कंसिस्टेंट मौके दे रहा है यंगस्टर्स को। घंटे के PCB वालों, प्रेशर कुकर बोर्ड, आप कब करोगे? तो फास्ट बॉलिंग में जो फास्ट है तो फिर फास्ट के नाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। 150 प्लस वाला जो फास्ट बॉलर होता है तो फास्ट तो उसी को कह के वैसे मजा आता है। तो मयंक यादव इज देयर, फिट हो गया, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। तो ये इंडिया ने मिसाल दे दी है कि देखो जी, हम इंटरनेशनल टीम इस तरह बनाते हैं। कब आएगा हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम के हमारे भी सीनियर रेस्ट करेंगे और कहेंगे आओ जूनियर खेलो परफॉर्म। इंडिया ने अनाउंस कर दिया जी T20 सीरीज जो बांग्लादेश के अगेंस्ट है। लड़कों के नए चेहरे देखे, अच्छा लगा। ये इंडिया ने जो टीम बनाई है ना, ये 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, उसको देखते हुए बनाई है। इसीलिए आपने देखा जसवाल भी नहीं है इसमें, गिल भी नहीं है, मैं बुमराह की तो बात ही नहीं कर रहा, जडेजा अक्षर पटेल इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, अय्यर भी नहीं है। टीम बनाई वो लड़के जो देखना भी चाह रहे हैं उन्हें, और अपने होम ग्राउंड पे फुल इंश्योरेंस दे रहे जाओ खेलो। इस तरह बनाई जाती है टीम। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना, हमारे मुल्क में कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है, चाहे नेपाल से मैच हो चाहे किसी भी टीम से मैच हो। ये होता है स्ट्रांग बोर्ड, ये होती है स्ट्रांग मैनेजमेंट, स्ट्रांग सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल नई टीम खिलाई कि जाओ। और एक शहजादा तो आया, क्या कहूं उसके लिए, बहुत खुशी हो रही है। देखो कौन आया, मयंक यादव आया, बहुत खुशी हुई है। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 सीरीज होने जा रही है, और इंडियन बोर्ड ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए फाइनल स्कोर का ऐलान कर दिया जो कि बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा T20 फॉर्मेट के अंदर। ये स्कोर इजी नहीं है, टफ भी नहीं है, लेकिन ये मीडियम स्कोर है जो कि हर लिहाज से बांग्लादेश को टक्कर देने के लिए काफी है। टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उसके बाद सूर्य कुमार यादव के बाद ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा के बाद टीम के अंदर काफी नए प्लेयर को मौका दिया गया है जिनको मजीद मॉडिफाई करेगा BCCI बोर्ड, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो बॉलर है वो हार्दिक पांड्या जो कि बेस्ट ऑलराउंडर है जो टीम को बहुत सपोर्ट करेंगे। हार्दिक पांड्या के अलावा अर्शदीप सिंह है, डीएन परांग है, रिंकू सिंह है, अभिषेक शर्मा, ये 4-5 वो नाम है जो इंडियन टीम की कमान संभालने के लिए मुस्तकबिल में तैयार होने जा रहे हैं, क्योंकि इंडियन टीम के लिए पुराने लड़के तमाम रिटायर हो गए। हार्दिक पांड्या के अलावा रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसका दीगर बड़े बड़े नाम थे KL राहुल, अश्विन जडेजा, तमाम ने रिटायरमेंट ली T20 फॉर्मेट से। लिहाजा इंडियन टीम को चाहिए कि T20 फॉर्मेट के अंदर कोई नए लड़के लेकर आए ताकि टीम को संभाल सके। वही हुआ, इंडियन टीम ने ऐसे लड़के तैयार किए हैं जो कि बांग्लादेश को बआसानी हरा पाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं जबकि इसके बरस पाकिस्तान टीम अपना फाइनल स्कोर ऐलान करती है, उसके बरक्स बांग्लादेश टीम पाकिस्तान के फाइनल स्कोर को उसके होम ग्राउंड में हरा देती है, जबकि इंडियन टीम का लोकल स्कोर यानी कि टीम बी है, जूनियर स्कोर है, ये भी बआसानी बांग्लादेश को हरा पाएगा। बास्केटबॉल ये कहना है कि इंडियन टीम के अंदर सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 फॉर्मेट में सबसे बड़ा नाम है, जिस तरह वो ऊपर आया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अभिषेक शर्मा वो प्लेयर है जिसने IPL के अंदर हेनरिक लारसन के साथ
कातलाना पारी खेली, ऐसे ही शानदार छक्के मारे। इसके अलावा रिंकू सिंह, रियन पेरांग, ये दो वो नाम है जो कि बहुत जल्दी उभर के ऊपर है टी ट्वेंटी फॉर्मेट के अंदर यंग क्रिकेट से। उसके अलावा हार्दिक पांड्या वो नाम है जिसने टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के अलावा ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी बेस्ट ऑलराउंडर होने का अवार्ड अपने नाम किया। और आज के दौर में दुनिया का टी ट्वेंटी फॉर्मेट का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है उसका नाम भी हार्दिक पांड्या है। दुआ यही है, हम अल्लाह ताला कहते हैं आप ऊपर वाला उसको फिट रखे। सूर्य कुमार को कप्तान रखा है जी, उन्होंने रखना था। बड़ी बात है वाइस कैप्टन नजर नहीं आ रहा, दो विकेट कीपर तो है, अभिषेक आ गया, संजू बाबा आ गए, संजू सैमसन, रिंकू दादा आ गए, जय रिंकू दादा, हार्दिक पांड्या है ये, रियान पराग उसके लिए भी सीरीज है, नीतीश कुमार रेड्डी ये आया आईपीएल का बच्चा ऑलराउंडर। इसके बाद शिवम दुबे है, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, ओहो जितीश है इसमें, जितीश शर्मा सेकंड विकेट पर, अर्शदीप है, हार्षिक राणा और मायंक यादव। ये टीम अच्छी बनाई है जी, ये सोच अच्छी है, लेकिन ये टीम बढ़िया बनाई है। और हमारे सकलन भाई हजरत ने कहा था कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे एज ए मेंटोर, तो ये इंडिया ने मिसाल दे दी है कि देखो जी हम इंटरनेशनल टीम इस तरह बनाते हैं। कब आएगा हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम के हमारे भी सीनियर रेस्ट करेंगे और कहेंगे आओ जूनियर खेलो परफॉर्म करो। बांग्लादेश के अगेंस्ट तीन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की सीरीज के लिए टीम इंडिया यानी कि इंडियन स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और धांसू किस्म की टीम बनाए हैं इंडियन सेलेक्टर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है मायंक यादव। फोन लगाओ जरा हारिस रऊफ को पूछो मायंक यादव को जानते हो, लगाओ लगाओ। हाँ कहना नहीं जानते, आईपीएल की फुटेज निकाल कर भेजना उसे, उसे कहना कि 150 जो है ना अब कॉमन होता जा रहा है, तुम खाली नहीं रहे। मायंक यादव ने ना तबाही मचाई आईपीएल 2024 में आकर, उसने जब मारने शुरू किए ना 145 147 150 150 प्लस, सरकार ये जो जबड़ा है ना जबड़ा ये वाला लोगों का ना, मैंने जमीन के साथ लगते हुए देखा कि एक इंडियन पेसर और ये स्पीड आपके सामने, यादव जी ने आकर अन्नी डाल दी थी भाई, और इस बंदे ने अन्नी डालनी थी, ये रॉ टैलेंट है, ये प्योर रॉ टैलेंट है। वो तो फिर जाहिर बात है इतना पेस और अच्छा खासा जिसे कहते हैं लंबा चौड़ा है, तो इतना लंबा चौड़ा आपका जिसे कहते हैं जुस्सा हो, फिर ऊपर से 150 की प्लस की आपकी स्पीड हो, तो इसकी स्पीड के बारे में तो शोएब अख्तर ने कहा था ना कि ये तोड़ देगा, ये रेगुलर हो गया तो ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा फास्टेस्ट वो जिसे कहते हैं बॉल इन क्रिकेट का 100 miles per hour का, उनका तोड़ देगा। और 150 तो वो मुंह से बोल के मारता है भाई, 150 यादव जी मुंह से बोल कर मारते हैं। तो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको डेफिनेटली डेब्यू करा दिया जाएगा, तीन मैचेस हैं, तो ये सूर्या एक ही प्लेइंग 11 से मुझे नहीं लगता करेगा। सूर्या जिस किस्म का कप्तान है ना, मुझे लग रहा है कि वो जिन जिन के डेब्यूज हैं ना वो सब के डेब्यू करवा देगा, क्योंकि वो थोड़ा चीज़ों को चेंज करता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है सूर्या, इसी वजह से तो ये कामयाब है बहुत ज़्यादा। खुद तो कॉन्फिडेंट है, खुद तो बड़ा ज़बरदस्त टी ट्वेंटी का बैटर है, लेकिन कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त करता है सूर्या, ये फैक्ट है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी इज रियली गुड। अभिषेक शर्मा को देख के काफी लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ ये अब आया सही T20 वाला, T20 वाले को T20 में मौका मिला है तो ठीक। मायंक यादव दिस इज द गाय, स्पीडस्टर, तो